वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं फिर से एक डिश लेकर, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी और हेल्दी है और ये बहुत ही मज़ेदार सी है। ये घर में जब बनाना बच जाए, जो कोई नहीं खाता हो, तो ये आराम से ये बन जाएगा गाइस। तो ये कैसे बनाया जाता है बनाना अपन चलिए देख लेते हैं। एक कटोरी के आसपास मैंने चावल को भिगा लिया है, देखिए निकल जा रहा है आराम से दिया। ये देखिए पके हुए केले हैं जो पक जाते हैं, उसको मैंने रख लिया था। और हम इसमें डाल देंगे, तो डाला है, और थोड़ी सी नारियल डाला। इसको मैं पतला एक अच्छा सा थिक बैटर बना लूँ। मैंने पहले से ही ऑन कर लिया था, और इसमें हम थोड़ा तेल, आप घी भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है आपको क्या डालना है। और ये जो नारियल है उसको हम भून लेंगे। इसको कलर आने तक हम अच्छे से भून लेंगे। तो कलर चेंज हो गया है। अब मेरे पास मैंने गुड़ का पानी बना के पहले से ही रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे। अब अंदाजे से डालिए। इसको हम थोड़ा गाढ़ा होने देंगे। इसमें हम थोड़ी सी इलायची डालेंगे। और थोड़ी सी नमक। जो हमने सीरम बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए मेरे पास बेकिंग पाउडर है, वो भी हम थोड़ा सा डाल देंगे। और इसके आसपास मैं रवा ऐड करूँगी, क्योंकि बैटर मुझे थोड़ा पतला लग रहा है, तो इसकी मिक्सअप करने के लिए। ये रेडी हो चुकी है, इसे हम 10 मिनट तक इसको भीगने के लिए साइड में रख देते हैं, उसके बाद देख लेते हैं। मैंने अप्पे का तवा रख लिया, उसमें हम तेल डाल देंगे। इसको हम अच्छे से बनने दें। ये बनके पूरी तरीके से रेडी हो गए, और ये खाने में काफ़ी टेस्टी होता है। ये देखिए अंदर से कितना जालीदार है ये, और खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है ये। तो आपको कैसा लगा मेरा बनाने का तरीका, बनाना अपन कैसे लगे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे। पिछली वीडियो को लाइक करने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।